अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपको एक तो विज़िट करवाता हूँ अंगूरों के बाग की। आपके सामने अंगूरों का बहुत बड़ा बाग जो जहाँ तक नज़र जाए तो ख़त्म नहीं होता, और बहुत खूबसूरती से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। और मौसम देखें, यहाँ आज 25 मई है, लेकिन मौसम वेदर देखें कितना खूबसूरत वेदर है। और आज आपको मैं बताता हूँ, यहाँ बेसिकली जब पौधा एक लगाते हैं उसके लिए स्टार्ट क्या लेते हैं, पौधे का कैसे लगाते हैं, कितनी खुदाई करते हैं। ये पौधे पड़े हुए हैं और ये एक लगाया मैंने, ये देखें बाकी खूबसूरती देखें, वेदर देखें कितना सुकून मोल है। इर्द गिर्द तो पहाड़ों की खूबसूरती, और ये खुदाई कर रहे हैं। बंदा मेरे साथ इतना अच्छा तो है, मुश्किल काम खुद करता है, आसान मुझसे करवाता है। ये पौधे मैं लगाता हूँ, ये खुदाई ये करता है। कहीं कहीं पत्थर होते हैं तो वो थोड़ी दुश्वारी होती है, अदरवाइज़ आसानी से ये मशीन खुदाई करके जाती है। अला ये नहीं है कि सारी हमें ही करनी पड़ती है हमको, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ भूल जाता है मशीन वाला खुदाई करना, तो वहाँ खुद को करनी पड़ती है। ये सरियन की मतलब के हफाजत के लिए लगाया जाता है, जब बड़े होते हैं उनके साथ बांधा जाता है जैसे कि ताकि पौधा गाड़ियों के साथ लग के गिर ना जाए, टूट ना जाए। यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, ट्रैक्टर आते हैं सफाई के लिए, इनकी हफाजत के लिए ये जो है ना सरिया लगा के इन्हें बांधा जाता है। इंटरेस्टिंग जॉब है, एंड वेदर भी इंटरेस्टिंग है यहाँ भाई, साल के 12 महीने। ये देखें जी, ये पौधा इस तरीके से लगाना है कि ये बड़ा हो के सीधा हो ऐसे, इसे बांधना भी है साथ, बांध दिया और ये फिनिश। अब इसके बाद आपको मैं बाग के कुछ प्लेस की विज़िट करवाऊंगा, जहां से आप इस बाग की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकेंगे कितना खूबसूरत इन्होंने मैनेज किया है, एक एक लाइन को कितनी तरतीब से और कितने तरीके सलीके से लगाया हुआ है। बागों की एक एक लाइन कितने सोच समझ के इन्होंने लगाई है, जिस तरफ से भी देखोगे तो लाइन जो आपको बराबर नज़र आएगी। ये इसका स्टार्ट का रास्ता है जी, यहाँ से एंट्री होती है इस बाग की, और ज़्यादा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इस बाग को जो है ना विज़िट करने के लिए आते हैं। ये इटली का एक मशहूर सिटी बेलुनो का इलाका है तरकियाना। देखें ये आपको सामने लाइन कैसी नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, इधर से देखोगे स्ट्रेट और इधर से देखेंगे स्ट्रेट, मतलब ये कि जिस रुख से आप देखेंगे आपको बराबर नज़र आएंगे। मुख्तलिफ इसके पार्ट्स की आपको वीडियो बना के मैं दिखाता हूँ, इन्होंने कितना खूबसूरत मैनेज किया हुआ है इस बाग को,
और इन पौधों को कैसा तरतीब से लगाया हुआ है, और सफाई का ख्याल, कटाई, घास को टाइम पे काटना। ये देखें, मतलब कि ये लोग अपने मामलात में बहुत सिंसियर हैं। अगर एक नॉर्मल बंदा काम करता है तो टाइम पे आएगा, टाइम पे छुट्टी करेगा, अपना काम पूरा करेगा। चेक करें गुलाब के फूल, सुभान अल्लाह क्या बात है। बाग की खूबसूरती में चार चांद नहीं लगा दिए गुलाब के फूलों ने। बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली है, ये किला जो सामने है इसके ऊपर से वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरे बाग बाग का जो है ना विज़िट करवाऊंगा, और चेक कीजिएगा व्यू बाग का। और चेक करें जी, चेक करें, आराम से देखें क्या तरतीब है लगाई है उन्होंने, बनाई है बाग की। यहाँ तक नज़र जा रही है, बाग ही नज़र आ रहा है। ये सामने एक पार्क है, आपको बाद में दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत। देखें क्या खूबसूरत व्यू है, पहाड़ पे बादलों का साया, सुभान अल्लाह क्या बात है। ये है जी इटली, इर्द गिर्द इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ है, ढका हुआ है पहाड़ों के दरमियान, और स्नो बहुत ज़्यादा होती है इस इलाके में। चेक करें पहाड़ियों के ऊपर, जैसे मैंने आपको कल को बताया, कल वाली वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा घर, बहुत ज़्यादा शौक से रहते हैं ये लोग। ये चेक करें पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। मेरी वीडियो लाइक करें, पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यकीन करें एक रुपया भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, और देख कितनी मुश्किल से बनाता हूँ ये वीडियो, हौसला अफजाई होती है, लाइक कर दें। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में अगर टाइम मिला तो पार्क ही बनाऊँगा, पार्क में अच्छी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सामने आपको दिखाऊँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये है बाग का सेंटर का रास्ता, और इस सेंटर के रास्ते के एंड में आके बड़ी अच्छी चीज़, बड़ी खूबसूरत
रास्ता देखें कितना क्लीन साफ, कितना खूबसूरत। और ये है जी, ये बिल्कुल दरमियान से रास्ता आता है जी। यहाँ एक पुराना महल समझे, अपने दौर का कह सकते हैं पुराना महल ही होगा ये अपने दौर का। कोई घर नहीं है, इसके इर्द गिर्द बंद पड़ा है। और ये देखें इसका स्टार्ट क्या बात है, जैसे किसी बादशाह का है, महल नहीं होता। क्या बात है, चेक करें गोरों की कंस्ट्रक्शन। ये घर जो है 2-2 साल 300-300 साल पुराने घर हैं और आज भी इनकी कंस्ट्रक्शन की खूबसूरती बताती है। हमारे पाकिस्तान में 10-20 साल बाद वैसे ही जो है ना प्लास्टर उखड़ने लगता है। ये देखें क्या पौधों से दीवारें बनाई हुई हैं, क्या ऑसम व्यू है, क्या बात है। चेक करें, चेक करें, इस पार्क की तरफ अभी आया हूँ। लेकिन ये देखें, ये आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे अच्छे यहाँ इटली में, जो लकड़ से ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, बंदा सो नहीं सकता। अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन ये कटिंग नहीं हुई इसकी। ये देखें कटिंग ना होने की वजह से ना इसकी वो खूबसूरती नहीं लग रही, ना नज़र नहीं आ रही जैसे ये पार्क खूबसूरत लगता है। बहरहाल फिर भी आप देख सकते हैं, एक बंदे का बेहतरीन ये है जी, इनका आर्टिस्ट का काम देखें, लकड़ के साथ ही चिड़िया कैसे बनाई, क्या बात है जी। देखें जी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है कि साफ नहीं है, घास काटी हुई नहीं है। ये देखें कितना प्यारा आर्टिस्ट ने बनाया। कुछ चीज़ें जो है ना छोटी छोटी बनी है, छुप गई हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना, ये देखें ये छुप गई हैं घास की वजह से। ये देखें ये देखें क्या बात है जी, और वहां एक इन्होंने क्या उसे कहते हैं, जहन से नाम भूल गया उसका। ये देखें जी कितना खूबसूरत बनाया अंकल, वाइन पकड़ी हुई है क्योंकि ये लोग रेड वाइन बहुत पीते हैं भाई। ये भी देखें, एंड जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको, बस पहुंचने वाला हूँ उसके पास। किताबें बनी हैं बड़ी प्यारी, ये देखें जी अन्ना कुगू, हम इसे अपनी बात में हिंदकों में अन्ना कुगू कहते हैं, पता नहीं। क्या बात है जी, लाइब्रेरी बनी हुई है, बताता हूँ मैं आपको। ये देखें जी, अब ये साफ होता तो क्या ही बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी विजिट तो करवाना है आपको। बेशक आप मेरी वीडियो ना लाइक करें, देख के भी लाइक नहीं करते, ये पता नहीं क्या आदत है हम पाकिस्तानियों को। ये देखें जी, वीडियो देखनी है लाइक कर देनी है, इग्नोर कर देनी है, पता नहीं जो है ना बंदा अरबपति ना बन जाए। ऐसा करने से कुछ नहीं होता भाई, पसंद आए तो लाजमी लाइक किया करें, कंजूसी ना किया करें, मेहरबानी आपकी। ये देखें ऐसे बना सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है। एंड ये देखें, मुझे ये बहुत पसंद है,
ये जिसने भी बनाई है क्या बात है, कमाल कर दिया, वाह लिब्रो, क्या बात है, क्या कहने। देखें आप इस पे तो लाइक बनता है एंड सब्सक्राइब बनता है मेरा चैनल। इतनी मेहनत की है, पूरे बाग में बाग बाग के वीडियो बनाता रहा आपके लिए। देखें जी क्या वेदर बना हुआ है, इटली का वेदर है ऐसा ही रहता है भाई।